आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो हेलो डॉक्टर। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष गोयल, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट है, सर्जन भी है और बहुत बड़ा नाम है इनका, आप जानते ही होंगे। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाएंगी। हेलो डॉक्टर। हेलो। कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसे आम जनता सुनती है तो मन में घबराहट आ जाती है। कैंसर कैसे होता है, सबसे पहला ये सवाल है। सो कैंसर जो है एक सिंगल वर्ड है, लेकिन ये बीमारी एक सिंगल बीमारी नहीं है। तो कैंसर का मतलब है जो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो एबनॉर्मली डेवलप करती है, एबनॉर्मली ग्रो करती हैं। तो कोई भी उसमें चेंजेस आते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल चेंजेस हों, चाहे कुछ जेनेटिक चेंजेस हों, उससे वो ग्रो करता है। और ये बॉडी में कोई भी सेल जो है मल्टीप्लाई होकर मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन के बाद एक ट्यूमर बन जाता है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बिनाइन ट्यूमर जी, और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर तो वो होते हैं जो बॉडी में बनते हैं लेकिन वो फैलने की क्षमता नहीं होती, तो उन्हें कोई खतरा नहीं होता। मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होते हैं जिनको हम कैंसर कहते हैं, यानी कि वो तेज़ी से बढ़ते हैं, आसपास के विसरल ऑर्गन्स को, आसपास के नसों को इन्वॉल्व करते हैं और वहाँ से दूसरी जगह फैलने की भी उनमें क्षमता होती है। कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको लेकर अवेयरनेस पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे कैंसर बढ़ रहा है लोग अवेयर भी हो रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कैंसर बढ़ने की। तो एक तो कारण ये है कि कैंसर का इंसिडेंस वैसे ही हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है, जिसके बहुत से रीज़न है। सेकेंडली हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है, जिस वजह से बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको कुछ भी तकलीफ होती है वो जल्दी चेकअप कराते हैं और अर्ली डायग्नोसिस होता है जी। तो कैंसर क्यों बढ़ रहा है, इसमें मेन कारण है हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा लाइफस्टाइल है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारा जो डाइट पैटर्न है, वी आर मोर मूविंग टू फास्ट फूड्स एंड फ्राइड फूड्स, फ्रोजन रेड मीट्स, फ्रोजन फ्रूट्स। और दूसरा कारण है स्मोकिंग, अल्कोहल एंड टोबैको। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड टोबैको से बहुत से कैंसर होते हैं। आप सरप्राइज होंगे कि इवन पैंक्रियाज का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, ईसोफेगस यानी फूड पाइप, थ्रोट, ओरल कैविटी, सब स्मोकिंग और टोबैको से रिलेटेड है जी। सो एक तरह से ये मेरे से मानना है कि ये एक प्रिवेंटेबल कॉज है। सो वी शुड ऑल फॉलो अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड न्यूट्रिशनल बैलेंस्ड फूड शुड बी टेकन, एक्सरसाइज करें, एक नॉर्मल एक्टिविटी पैटर्न रखें और जहाँ तक हो सके अल्कोहल टोबैको स्मोकिंग से दूर रहें। बिल्कुल। और एक और चीज़ यहाँ डॉक्टर मैं जानना चाहूँगी कि जेनेटिक प्रभाव कितना ज़्यादा पड़ता है कैंसर। तो जनरली मेरे पास भी जब पेशेंट आते हैं तो वो यही पूछते हैं कि भाई मेरे फादर को ये लंग कैंसर हुआ तो क्या मुझे भी हो सकता है जी। तो ये कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि लेस देन 5% कैंसर ही जेनेटिक या हेरिडिटरी होते हैं, यानी 95% आर इंसिडियस, वो उसमें कोई जेनेटिक बेसिस नहीं होता। बट हाँ ये जरूर है कि कुछ कैंसर हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है वेमेन में या ओवेरियन कैंसर है, तो अगर एक ही फैमिली में 2 या 3 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को भी ब्रेस्ट कैंसर है तो वहाँ जेनेटिक होने के चांसेस हैं। बट द गुड थिंग इज कि उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है जो जेनेटिक टेस्ट ब्रेस्ट कैंसर के लिए करते हैं, जो मोस्टली हम जिस फैमिली में 2 या 3 फीमेल्स को कैंसर है तो उसमें हम टेस्ट करते हैं, उससे हमें पता चल सकता है कि इसका जेनेटिक बेसिस है या नहीं। अगर जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हमें पता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी रिस्क है, तो उनको हम प्रिवेंटिव मोडालिटीज में शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर बहुत सारे मिथ्स भी है, लोग जैसे आम देखिए अगर आप हाई लेवल पर जाएंगे तो बहुत साइंटिफिकली इन सब चीज़ों पर बात होती है, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास जाएंगे अवेयरनेस भी नहीं है और साथ ही साथ पता भी नहीं चल पाता, लास्ट स्टेज में पता चलता है कि उन्हें कैंसर है। लोग कहते हैं कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं में होता है या ओवरी कैंसर, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, आप चाहे कितना मर्जी कीमोथेरेपी करा लें बट वो जो कोशिकाएं हैं वो मरती नहीं है, वो फिर से उभरनी शुरू हो जाती है। ये मिथ है, सच्चाई है क्या तो है, क्लियर करना चाहते हैं। सबसे पहले जो मिथ की बात करें तो सबसे बड़ा मिथ कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में आम जनता को है कि इसको छेड़ना नहीं चाहिए, इसकी बायोप्सी नहीं लेनी चाहिए जी। अगर कोई बायोप्सी लेके पीस लिया तो इससे फैलता है, तो एक मिथ है। और सच्चाई ये कि जब तक उससे बायोप्सी नहीं होती, हमें वो सेल्स दिखते नहीं है, हमें उसकी बायोलॉजी नहीं पता चलती, उसका इलाज संभव नहीं है। दूसरा जो आपका सवाल था कि भाई ये कैंसर का इलाज करने के बाद भी वो कोशिकाएं पूरी तरह ख़त्म नहीं होती, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज में हम उसको डायग्नोज कर रहे हैं। अगर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में डायग्नोज कर लें, अर्ली स्टेज में, तो हम उसको सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से पूरी तरह जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और हम क्योर अचीव कर सकते हैं। अब जाहिर है कि अगर समय पर इलाज नहीं किया जाएगा, समय पर डायग्नोसिस नहीं किया जाएगा और उसको फैलने दिया जाएगा तो उस स्थिति में रिजल्ट्स जो है इन्फीरियर होते हैं, कम होते हैं, लेकिन इलाज संभव है, उससे लाइफ प्रोलोंगेशन होती है,
क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। और अगर देखा जाए तो आजकल इतने एडवांसेस हुए हैं इसके ट्रीटमेंट में, चाहे वो सर्जरी हो गई, चाहे कीमोथेरेपी हो गई, चाहे रेडिएशन हो गई, तो जिसमें एडवांसेस हुए हैं, इतनी नई नई ड्रग्स आ गई हैं, इतनी नई नई तकनीक आ गई हैं, जिससे हम पूरी कोशिश करके बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, पहले हम देखते थे कि कैंसर का इलाज कराने के लिए जो लोग होते थे, देखिए अमीर लोग तो जिनके पास पैसा है वो बाहर जाकर भी उनका इलाज करा लेते थे, क्योंकि उतनी सुविधाएं हमारे भारत में नहीं थी। लेकिन अब हमने देखा है कि हर एक सुविधा भारत में अवेलेबल है, जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत ज़्यादा एडवांस हम हो चुके हैं। तो अब क्या हर एक कैंसर का, पहले तो ये बताइए कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, हर एक कैंसर का इलाज क्या भारत में अवेलेबल है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है? तो एक समय था कि गिने चुने ही कैंसर हॉस्पिटल थे इंडिया में, जैसे तभी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल था, हर आदमी कहता था वहाँ जाना है। अब ऐसा नहीं है, मैं अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो मोर देन 30-35 कैंसर सेंटर्स हैं जहाँ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर का इलाज संभव है और अवेलेबल है। तो इसमें कभी भी आपको, आई डोंट थिंक ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपको इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा, बल्कि दिल्ली के बाहर ही जाने की इसमें जरूरत। रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट मोडालिटीज वी आर एट पार विद द वर्ल्ड, तो उसमें कोई भी किसी भी टेक्नोलॉजी को हम चाहे ले लें, चाहे फैसिलिटीज, चाहे स्किल, वी आर एट पार। कैंसर का प्रेजेंट जो स्टेज है, जो संकेत है, वो क्या है? तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। मोर इम्पॉर्टेंट इज कि ये मोस्ट कॉमन कैंसर्स क्या हैं। तो मेल्स में जो मोस्ट कॉमन कैंसर हैं वो टोबैको रिलेटेड हैं, जो मोस्टली ओरल कैंसर हैं, ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर। उसके बाद नंबर दो पे लंग कैंसर आता है जो मोस्टली स्मोकिंग रिलेटेड है, और नंबर थ्री पे बड़ी आंत यानी कोलन का कैंसर। फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद गायनेकोलॉजिकल कैंसर है यानी यूट्रस और ओवरी के जी। उसके बाद ओरल कैंसर और लंग कैंसर भी है। इसका मेन कारण है स्मोकिंग एंड पोल्यूशन। बिल्कुल डॉक्टर, इस पर ना लोग बात बहुत कम करते हैं, खासकर की जो महिलाओं की बात आती है लोग बचते हैं। देखिए जो हम जैसे लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लड़कियां बचती हैं, जैसे हमने देखा है कि ब्रेस्ट का साइज अगर चेंज हो रहा है, और होता है वो कॉमनली होता है, लेकिन अगर दर्द हो रहा है या गांठ पड़ जाती है तो हम उस चीज़ को छुपाते हैं, नहीं बताते, तो उसको कितना अवेयर हम कर सकते हैं और ये कितना हार्मफुल हो सकता है आगे चल के? सो टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर विच इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वेमेन, उसके क्या लक्षण होते हैं, कब हमको अलार्म होना है जी? तो किसी भी महिला को अगर स्तन में कोई गांठ हो रही है, कोई हार्डनेस का एरिया हो रहा है, या कोई स्किन चेंज हो रहा है, स्किन में कोई रेडनेस है, या स्किन में कोई थिकनिंग आ रही है, या निपल से कुछ भी डिस्चार्ज आ रहा है, या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है जी, या किसी के आर्मपिट में कुछ स्वेलिंग्स हैं, तो उसको अलार्म होना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए, कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलें, सर्जन से मिलें, या अपने फीमेल डॉक्टर से मिलें, ताकि उसका डायग्नोसिस हो सके और इलाज हो सके। और एक और चीज़ होती है ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट करने के लिए, वी कॉल इट ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, जिसमें हर 25 ईयर से बड़ी महिला को हम कहते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी महीने में एक बार अपने आप ही खुद ही नहाते वक्त या कपड़े बदलते वक्त उसको अपना ब्रेस्ट को फील करके देखते रहें कि कोई भी ऐसा कोई एबनॉर्मल साइन तो नहीं है जी। ऐसा कुछ है तो तुरंत अलार्म हो जाए और डॉक्टर से मिले। बिल्कुल, और इस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस अगर नहीं होगी तो फिर ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। हमने हाल ही में देखा बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ब्रेस्ट सर्जरी कराई है और बहुत सक्सेसफुल रही है, अब वो बहुत बेटर फील करती हैं, बहुत अच्छा महसूस करती हैं। अब इसके लिए आपने बात अच्छा किया, ये आपने बात शुरू किया, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ फेमस यूट्यूबर्स हैं और फिल्म स्टार भी हैं, and they were quite brave enough to come in out in public. Yes. They came out in public, उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दिए और अपना पॉजिटिव अप्रोच को जो दिया कि भी आई हैव अंडरगॉन ट्रीटमेंट और मैं बिल्कुल कैंसर फ्री हूँ, तो ये बहुत ही जो हमारे कॉमन पब्लिक है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या और भी हैं, उनको एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है, जिसे घबराना नहीं है और जो भी है उसको फाइट करना है और हमें उससे बाहर निकल के आना। ट्रीटमेंट कितना लंबा हो सकता है इसका? सो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसके तीन मोडालिटीज होते हैं मेनली, रेडिएशन, रेडियोथेरेपी, सर्जरी यानी कैंसर की सर्जरी, और कीमोथेरेपी, जिसमें टारगेटेड थेरेपी भी आती है और हार्मोन थेरेपी। अब तीनों मोडालिटीज में इंपॉर्टेंट ये है कि किस कैंसर में, कई बार किस कैंसर में दो या तीन मोडालिटीज भी यूज़ करनी होती है, उसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो सर्जरी मतलब कि जो भी ट्यूमर है उसको हम ऑपरेशन करके निकालेंगे। रेडिएशन में कई बार तो हम ट्यूमर को डायरेक्टली ही रेडिएशन देते हैं, यानी रेडियोथेरेपी यानी किरणों का ट्रीटमेंट होता है जिससे कैंसर खत्म हो जाता है। कभी कभी हमें सर्जरी के बावजूद रेडिएशन का ट्रीटमेंट ऐड करना पड़ता है, उसका पर्पज होता है कि उसके हम रिकरेंस को रोक सकें, पूरी तरीके से वो खत्म हो जाए, फैले ना। पहले
और इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी जो कि दवाइयां हैं जो स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स पे एक्ट करती हैं, कभी कभी उनको हम सर्जरी से पहले देते हैं ताकि ट्यूमर श्रिंक हो जाए, उसको हम आसानी से ऑपरेट कर पाएँ, और कभी कभी सर्जरी करने के बाद भी देते हैं ताकि उसके जो भी माइक्रोसेल्स उसको कंट्रोल कर लें और ओवरऑल हमारा क्योर रेट्स बेटर हो। बिल्कुल डॉक्टर, अभी हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे थे, ओवरी कैंसर, यूट्रस कैंसर की बात आपने की है, वो किस तरह से होता है, कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल यंग एज में, बहुत यंग एज में लोगों को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू हो गया है, वो कितना इफेक्टिव है, उतना हाइजीन नहीं हो पाते लोग, आजकल सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जो जेल फॉर्म में आ रहे हैं, कॉटन का इस्तेमाल नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, तो हम कुछ भी सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है, कितने घंटे तक रखना चाहिए? वो कोई हार्मफुल नहीं है, बट मेन थिंग इज कि जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर है, यूट्रस या ओवरियन कैंसर, उसके लिए सिम्टम्स क्या हैं। यूट्राइन कैंसर मोस्टली पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में होते हैं, यानी मोर देन 50-45 ईयर्स की एज के बाद, उसमें मेन सिम्टम होता है कि अगर उनको पीरियड्स बंद होने के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीड हो रही है, देन दे शुड बी अलार्म कि भी इसमें कुछ यूट्रस में चेंजेस आ रहे हैं जिसकी बायोप्सी करने की जरूरत है या स्कैनिंग करने की। ओवरीज जो हमारे अंडकोश होते हैं यूट्रस के बगल में जी, उसके कैंसर को यूजली हम कहते हैं इट्स ए विस्परिंग डिजीज, क्योंकि इसे कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते और मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स प्रेजेंट इन लेट स्टेजेस, क्योंकि ओवरीज बड़े होते हैं, मासेस बड़े हो जाते हैं, आसपास के आंतों को प्रेशर डालते हैं, पेट में पानी हो जाता है, तभी उनको पता चलता है। तब तक महिला सोचती रहती है कि नहीं शायद पेट ऐसे ही बढ़ रहा है, शायद कोई कारण नहीं है, शायद मेरी डाइट ठीक नहीं है, तो इस वजह से ही डिले हो जाते हैं। बट ये दोनों ही कैंसर, इसमें टोटली उपचार संभव है, क्योर संभव है, और हमें फील काफ़ी पॉजिटिव। बट मेन थिंग इज जब भी कोई सिम्टम हो हम तुरंत अपने डॉक्टर को मिलें, जो भी वो जांच बताता है उसको टाइमली करें और टाइमली ट्रीटमेंट लें। क्या यंग एज में भी ओवरी कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? यंग एज में भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। जो मेरी यंगेस्ट पेशेंट मैंने ट्रीट किया है, शी वॉज जस्ट 22 ईयर ओल्ड, शी वॉज ए स्टाफ नर्स इन माई हॉस्पिटल, तो यंग एज में भी होता है, ज़्यादातर एल्डरली में, बट रिसेंटली द इंसिडेंस इज गोइंग अप, लेस देन 30 ईयर्स में भी हो रहा है। तो अब इसके बाद फिर लाइफस्टाइल में जो महिलाएं हैं वो किस तरह का चेंजेस लाए, क्योंकि आज की जो महिला है वो कामकाजी भी है, बाहर ऑफिस भी देखती है, घर भी संभालती है, अपने आप को नहीं उतना टाइम दे पाती है। तो इसका मैं एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट से बताता हूँ कि 15-20 साल पहले जब ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी होती थी, मैस्टेक्टमी होती थी जी, यानी पूरा स्तन रिमूव करना पड़ता था। बट करंटली हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं, यानी जो ट्यूमर है तो सिर्फ ट्यूमर और आर्मपिट की ग्लैंडी रिमूव होती है, ब्रेस्ट को बचा लिया जाता है, तो उससे साइज शेप कॉन्टूर उसका मेंटेन हो जाता है जी। इसके बाद पेशेंट को रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी दी जाती है एंड आउटकम्स आर इनफैक्ट बेटर। तो बहुत से पेशेंट पूछते हैं जी अगर कोई भी रिस्क है तो आप पूरा ब्रेस्ट रिमूव करो, तो ऐसा नहीं है, कंजर्वेशन इज इक्वली इफेक्टिव एंड इनफैक्ट रिसेंट स्टडीज ने शो किया कि उसके आउटकम्स बेटर जी। तो जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन से मेन एडवांटेज होता है कि स्पेशली जब यंग वुमेन है या मिडिल एज में भी हैं तो साइकोलॉजिकली दे फील बेटर कि उनका कोई ऑर्गन रिमूव नहीं हुआ है, दे कैन मूव अबाउट इन सोसाइटी। हाँ, क्योंकि मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर हम बात कर लेते हैं, कैंसर पर हम बात कर रहे हैं, इतना बड़ा ये टॉपिक है अगर साइंस की फील्ड में हम देखें तो, क्योंकि लोग डर जाते हैं, बहुत बड़ी बीमारी लोगों के एकदम मुंह से निकलता है, वो शॉक्ड हो जाते हैं। तो मोटिवेट आप कैसे करते हैं, अगर कोई सर्जरी आपने तो बहुत सारी सर्जरी की है, जब आप सर्जरी करने के लिए जाते हैं ओटी में, तो किस तरह से पेशेंट को मोटिवेट करना है? क्योंकि एक लड़की जब अपने आप को शीशे में देखती है तो अपने पूरे शरीर को देखती है, उसे लगता है कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ, क्योंकि ये प्राकृतिक है। लेकिन जब आपके ऑर्गन्स, जैसे कि अभी आपने कहा कि पहले ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाता था, तो अगर कोई ऐसा चांस आता है कि पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना पड़े, तो उन लोगों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं बाद में भी? तो अगर कोई पेशेंट है जिसमें ट्यूमर के फैक्टर्स की वजह से पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ रहा है, तो उसमें भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन का भी ऑप्शन होता है, यानी कि पूरा ब्रेस्ट रिमूव करके पेशेंट की बॉडी के ही फ्लैप्स लेके या कुछ इम्प्लांट लगा के ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जी। सो दैट इज हाउ वी मोटिवेट देम। बट मोस्टली मेरा फोकस रहता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो, इफ फिजिबल एंड सेफ, आई ऑफर ब्रेस्ट कंजर्वेशन, यानी ब्रेस्ट प्रिजर्व करने के लिए जान। अब रिसेंटली जो कैंसर सर्जरी में बहुत एडवांसमेंट हुए हैं, क्योंकि अब हमारा फोकस जो है फंक्शनल एंड कॉस्मेटिक आउटकम पे हो गया है, चाहे वो ब्रेस्ट सर्जरी है चाहे वो हेड एंड नेक सर्जरी है। जैसे मेल्स में जो मोस्ट कॉमन कैंसर होते हैं ओरल कैंसर होते हैं, थ्रोट कैंसर होते हैं, तो वहाँ हम जो
ट्यूमर का पार्ट चीक का है चाहे टंग का है उसको रिमूव करते हैं, उसको फिर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं इन द सेम सेटिंग, रिकंस्ट्रक्ट करके उसको बना देते हैं वैसे ही. सो इससे फंक्शनल आउटकम और कॉस्मेटिक आउटकम पे काफ़ी फोकस है. दूसरा जो एडवांस सर्जिकल ऑन्कोलॉजी वो है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, यानी मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल एंड थोरेसिक जो लंग्स के या इसोफेगस के ट्यूमर में हम लैप्रोस्कोपिक के द्वारा भी ऑपरेशन कर सकते हैं. यानी अगर आज की हम मेडिकल साइंस को देखें तो वो बहुत आगे जा चुका है. मतलब अगर आपको कैंसर है, आप कैंसर से पीड़ित हैं और आपकी सर्जरी हुई है या कुछ, जैसे आपने थ्रोट का जिक्र किया, अभी चिक्स का जिक्र किया है, लंग्स का जिक्र किया है, अगर कुछ भी निशान या कुछ बचे हैं तो कॉस्मेटिक सर्जरी से वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं. थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन चीज़ें ठीक हो जाती हैं. लंग्स कैंसर पे मैं जाऊंगी. इससे पहले हमने लंग्स पर बात की थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर. लंग्स कैंसर कितना हार्मफुल हो सकता है? क्या लंग ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है या इसके लिए भी कुछ और ट्रीटमेंट है? लंग कैंसर का जो मेन रीज़न है, नंबर वन रीज़न इज स्मोकिंग. जी, अब स्मोकिंग भी दो तरह की होती है, एक एक्टिव स्मोकिंग होती है और एक पैसिव स्मोकिंग होती है. जी, की सेकेंडरी स्मोक. तो एक्टिव स्मोकिंग तो वो है कि जो खुद बंदा स्मोक कर रहा है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग है जो उसके आसपास लोग बैठे हैं. तो मेनली द हस्बैंड इज स्मोकिंग इन फ्रंट ऑफ द फैमिली, तो वाइफ बच्चे वो भी स्मोक इनहेल कर रहे हैं, वो सेकेंडरी स्मोक है. बिल्कुल. तो उनको भी उसका इक्वली इफेक्ट होता है. बट माय मैसेज टू एवरीबॉडी इज टू क्विट स्मोकिंग एट द अर्लीस्ट. एंड द मेन थिंग इज कि जो स्मोकिंग हम क्विट भी करते हैं उसके बाद भी जितना जल्दी हम उसको छोड़ें उतना अच्छा है, क्योंकि जब भी हम स्मोकिंग छोड़ते भी हैं तो ऐसे नहीं कि इंसिडेंस जो है कैंसर का जीरो हो जाता है, ग्रेजुअली कम होता है, लेकिन जितना हम जल्दी छोड़ेंगे उतना हमें बेनिफिट मिलेगा. तो मेन कारण ये है कि लंग्स कैंसर जो है काफ़ी लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं. जी. और जिसका कारण है कि हमारे कंट्री में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है. तो बहुत से सिम्टम्स इनके ओवरलैपिंग हैं, दोनों में ही फीवर होता है, खांसी होती है, कफ आता है, बलगम आता है, कई बार बलगम में ब्लड आता है. तो कई टाइम पेशेंट यही सोचते रहते हैं कि हमें टीबी है और वो उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट करते रहते हैं जब तक उनका स्कैन नहीं होता या बायोप्सी नहीं होती, कंफर्म नहीं होता, तब बहुत देर हो चुकी है. तो तब तक देर हो चुकी है. जी डॉक्टर, आपने बहुत सारी सर्जरी की है, फीडबैक कैसा मिला, कैसा आपके पेशेंट्स को लगा और कितने दिनों तक हमें और ट्रीटमेंट लेना होता है जब आपकी सर्जरी सक्सेसफुल रहती है? तो मेन जब पेशेंट कोई कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आता है, सर्जरी के लिए आता है, तो बहुत वो डिमोटिवेटेड होता है, साइकोलॉजिकली अपसेट होता है. तो मेरा काम उनको सिर्फ ये पैसिफाई करना होता है कि आपका बीमारी ठीक होने वाला है, आप घबराएं नहीं, आपके साथ मैं हूँ, आई एम अवेलेबल 24/7. जैसे किसी का ऑपरेशन भी हुआ है, कोई बाद में कहता है भी मुझे कोई दिक्कत है, तो हमारी पूरी टीम होती है जो उनको हेल्प करती है बाद में जो भी उनके साइड इफेक्ट हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसी से उनको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ डॉक्टर साहब हैं, ही विल टेक केयर ऑफ अस. जी, आखिर में बस ये पूछूंगी डॉक्टर कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? आजकल मोटापा लड़कियों में, लड़कों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज हम बैठ कर आराम से काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं हो पाती है. खान पान हमारा कैसा होना चाहिए? और जो अभी कोरोना का हमने पूरा फेज देखा वो कितना इफेक्टिव है क्लाइमेट चेंज साथ ही साथ हमारी बॉडी पर? तो मेरा अल्टीमेटली मेन मैसेज यही होगा कि कैंसर इज प्रिवेंटेबल एंड एज यू ऑलरेडी नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए. वी शुड फॉलो ए गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड फास्ट फूड्स, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉकिंग करें, स्मोकिंग अल्कोहल टोबैको को क्विट कर दें और उससे दूर रहें, और एक रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में अपना को रजिस्टर कर लें. जैसे फीमेल्स में स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग है जैसे मैंने बोला, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया 45 ईयर्स के बाद स्क्रीनिंग मैमोग्राफी हो गई, और सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मियर हो गया. मेल्स में स्क्रीनिंग के लिए जो स्मोकर्स हैं वो एक लो डोज सीटी स्कैन चेस्ट का कर सकते हैं रेगुलर इंटरवल पे, सीरम PSA कर सकते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि उनको कोई प्रोस्टेट में कोई कैंसर के चेंजेस तो नहीं है. जी. और जो टोबैको अब्यूजर्स हैं, टोबैको कंज्यूम करते हैं, एक रेगुलर बेसिस पे ओरल एग्जामिनेशन एक ओरल ऑन्कोलॉजिस्ट से कराएं. इसके अलावा प्रिवेंशन के लिए दो वैक्सीन हैं जो करंटली अवेलेबल हैं, एक तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अवेलेबल है. जी. जो कि बेसिकली हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करती है और सेकेंडरली उससे वो लिवर कैंसर को भी प्रिवेंट करती है. बट मेन जो हमारे पास गार्डासिल जो वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के लिए, दैट इज प्रॉब्ली द ओनली वैक्सीन वी हैव विच प्रिवेंट्स सर्वाइकल कैंसर, सर्विस का कैंसर. तो ये सभी फीमेल्स को लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज जो है स्पेशली बिफोर मैरिज ये वैक्सीन जो है ले लेनी चाहिए. सर्जिकल
सर्वाइकल वैक्सीन। इसको थोड़ा सा मैं समझने चाहूंगी, दर्शक भी समझे। का जो माउथ होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, तो उसका कैंसर भी मोस्ट कॉमन है इंडिया में, स्पेशली रूरल फीमेल में जी। तो इसके लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है जो HPV इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। तो इसके 3 डोजेज लगने होते हैं, एक जनरली अवेलेबल है, आप किसी भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके एट द काउंटर लेके उसको लगवा सकते हैं जी। सो इट शुड बी टेकन बाय ऑल वीमेन एंड स्पेशली बिफोर मैरिज। सर, दिस विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग सर्वाइकल कैंसर। हाँ डॉक्टर, आई होप कि हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दर्शकों को मिल गए होंगे, आपने इतने अच्छे से समझाया है। लेकिन अगर कुछ और है, आप इसमें कुछ ऑल डाउन करना चाहते हैं दर्शकों के लिए, कुछ और समझाना चाहते हैं कैंसर के बारे में, तो आप समझा सकते हैं। सो माय फाइनल मैसेज वुड बी दैट कैंसर ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर, सो वी शुड नॉट बी इन डिस्पेयर एंड वी शुड हैव गुड होप। थैंक यू डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि दर्शक भी बहुत ही आसान शब्दों में समझ गए होंगे कि कैंसर के लिए कितना अवेयर होना ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ट्रीटमेंट अभी डॉक्टर्स ने बताए हैं, आप उस ट्रीटमेंट को ज़रूर अपने लाइफ में लेकर आइए, ताकि हम कैंसर को मात दे सकें। तो अगले सप्ताह फिर लौटेंगे ऐसे ही मुद्दों पर बात करेंगे, ताकि आप भी जान सके, जागरूक हो सके, अपने आसपास भी लोगों को तमाम बीमारियों को लेकर जागरूक कर सकें।